जमानत बढ़ाने को एससी पहुंचे केजरीवाल। एससी से 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत। केजरीवाल को 2 जून को करना है सरेंडर। भड़की बीजेपी, क्या बोले अनुराग ठाकुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के कथित शराब मामले में घिरे केजरीवाल लोकसभा चुनाव के चलते 1 जून तक अंतरिम बेल पर बाहर हैं। लेकिन अपनी जमानत को बढ़ाने को लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम बेल को 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल की इस मांग को लेकर अब सियासी पारा भी हाई होने लगा है। मामले पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों की जगह वहीं होनी चाहिए जहां कानून तय करता है। अगर हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं तो अदालत को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिनके जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के कारण जेल में हैं। भ्रष्टाचारियों की जगह वहीं होनी चाहिए जहां कानून तय करता है, और अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो ऐसे लोग जिनके जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते, ये बहुत गंभीर आरोप है। जो कुर्सी के साथ चिपके रहना चाहते हैं, नैतिकता को मार दिया है जिन्होंने और केवल भ्रष्टाचार के लिए सत्ता में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी का एक और बयान आया, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ईडी पीएम से भी, यानी प्रधानमंत्री जी से भी पूछताछ कराएगी अदानी मुद्दे पर चुनाव के बाद। मैं राहुल गांधी जी को इतना कहूंगा, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे इनके राजनीतिक दल के कौन कौन लोग, कौन कौन मुख्यमंत्री, कौन नेता, कौन परिवारजन जिन व्यापारियों के नाम लेते उनके साथ थे, तो शायद बोल भी ना पाएंगे। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी पैट और सीटी स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से भी गुजरना होगा, इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई हाई प्रोफाइल नेता जेल जा चुके हैं। इसी मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम और केसीआर की बेटी के कविता भी घिरी हुई हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ सामने आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।